नमस्कार, सलाम, आदाब। न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जब्बार अलवी अपने सह प्रतिनिधि सागर के साथ इस वक्त मुखातिब हूं दारुल उलूम हुसैनिया मस्जिद नगर इस्लामपुर से। आप सभी को बता दें कि आज जमूरत के प्यारे जो हैं वो लोग पूरा हिंदुस्तान में चाहे किसी भी मजहब के हो रिपब्लिक डे यानी प्रजातंत्र दिवस मना रहे हैं। और आज दारुल उलूम हुसैनिया मस्जिद नगर में खास खास मेहमान के मौजूदगी में रिपब्लिक डे यानी जमहूरियत का ये दिन 26 जनवरी बहुत ही एहतमाम के साथ और किरदारियों के साथ मनाया गया। प्रोग्राम के बाद जमहूरियत के लिए, अमन और शांति के लिए दारुल उलूम हुसैनिया क्या पैगाम देना चाहते हैं, चलिए इस सिलसिले में बात करते हैं। हमारे यहाँ मुखातिब हैं नाजिम तालीमात कारी मुजफ्फर इदरीस साहब, हमारे यहाँ मौजूद है मुखातिब है मौलाना अफजल हुसैन मुबल्लिक दारुल उलूम, मौजूद है कारी अब्दुल सलाम साहब और मौलाना हाशिम अख्तर साहब और साथ ही साथ मौलाना सज्जाद आलम काश्मी साहब। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नाजिम तालीमात जो है कारी मुजफ्फर साहब, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत खुशामदीद कहेंगे न्यूज टुडे इंडिया में और आपको कहेंगे कि जमहूरियत के जो प्यारे होते हैं, अमन व शांति के जो प्यारे होते हैं, वो रिपब्लिक डे मनाते हैं और आप लोग की पूरी यहाँ एहतमाम के साथ कहिए और एक पूरे तैयारी के साथ इस बार बहुत शॉर्ट टाइम में इसका पालन किए। इस वक्त चैन अमन और शांति पूरा मुल्क के लिए दरख्वास्त रखता है, अपील रखता है। आप क्या अपील रखेंगे सोसाइटी के लिए जी या हिंदुस्तानियों के लिए? समाज और सोसाइटी के लिए मैं ये दरख्वास्त रखना चाहूंगा आज के दंत्र दिवस के मौके से कि आज दारुल उलूम हुसैनिया इस्लामपुर के स्टूडेंट और यहाँ के टीचर्स, उन्होंने भी हर साल की तरह इस साल जश्न योम जम्हूरिया के मौके से शहर के बड़े बड़े लीडरान और अफसरान को मदऊ किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग यहाँ हाजिर हुए और प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा, सबों ने बहुत अच्छा तासुर दिया। और इस इदारे में आइंदा जितने भी प्रोग्राम होंगे, हमारी ख्वाहिश है, हमारे असातिज़ा की ख्वाहिश है कि इस तरीके से सब लोगों को जोड़ा जाए और अपने अपने हमारे जो स्टूडेंट हैं, हम इनको जो तालीम देते हैं, बेशक आज अक्सर लोग मदरसे की तालीम, उसके रहन सहन, मदरसे में होता क्या है, इससे नावाकिफ हैं। बहुत सारे लोग शको शुभे में हैं। उसको दूर करने के लिए हमारे मोहतमिम हजरत मुफ्ती ईसा साहब कासमी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने तमाम असातिज़ा को लेकर ये बात रखी कि इस बार शहर के बड़े लोगों को आप लोग मदऊ कीजिए और बच्चों का जो हर साल प्रोग्राम होता है, इस साल का ये जो 26 जनवरी 2023 इसका प्रोग्राम जो है यहाँ के लोगों को दिखाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम असातिज़ा की पूरी टीम शहर में बड़े बड़े लोगों को दावत दी और सबने दावत कबूल की, आए और प्रोग्राम देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़िंदगी की सबसे ये 26 जनवरी तो हमने स्कूलों में अपने बचपन से लेकर गांव देहात तक मनाया, लेकिन आज जैसा 26 जनवरी हमने कभी नहीं मनाया। किसी की उम्र 56 साल थी, किसी की उम्र जो है 50 साल थी, लेकिन 50 साल के बाद आज ऐसे इदारे में हमारे जो ये इदारे हैं, दीनी इदारे हैं, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस देश की खातिर जश्न मनाई जाती है और जश्न का जो असल तरीका है उसी हिसाब से हम लोग जश्न मनाते हैं, वरना तो आज देखा जा रहा है कि जश्न जो है म्यूजिक पर हो गया है। और यहाँ पर बहुत तारीखी बातें हमारे स्टूडेंट ने पेश की और हमारे जो गेस्ट आए थे चीफ गेस्ट जनाब अब्दुल करीम चौधरी साहब, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे दावत पर हाजिर हुए। इसी तरह गुलाम रब्बानी साहब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और इसी तरह अरीकुल इस्लाम साहब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और भी बहुत दिगर हजरात यहाँ तशरीफ लाए। मैं सभी लोगों का जो है शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह का और जो आइंदा प्रोग्राम हो इंशाल्लाह हम इससे भी बेहतर पेश करने की कोशिश करेंगे और सबों को खुश रखने की कोशिश करेंगे। और पैगाम ये रहेगा पूरे देश के लिए कि जिस तरीके से आज नफरत की बातें हर जगह जो है पनप रही हैं, इस नफरत को
हर रंग व नस्ल के लिए जरूरी है कि दूर किया जाए और मोहब्बत को बांटें, मोहब्बत को आम करें और सबके साथ मिलजुल कर रहें, ये मेरा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे नाज़िम तालीमात कारी मुजफ्फर इदरीस साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी को बता दें कि आज का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का जो इनाकात किया गया, आगाज किया गया, ये पैगाम देने के लिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बुलबुले हैं, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यही पैगाम देना चाह रहे थे 26 रिपब्लिक डे में, जिस प्रोग्राम में खास खास मेहमान के तौर पर मौजूद थे राज्य के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जनाब गुलाम रब्बानी साहब, इस्लामपुर के 11 बार के विधायक यानी MLA जनाब अब्दुल करीम चौधरी, DMDC अरिकुल इस्लाम से लेकर के उर्दू अकेडमी के नाजिम अख्तर और बहुत सारे मुखातिब मेहमान। चलिए इस सिलसिले में और एक बार बात कर लेते हैं मौलाना अफजल हुसैन साहब से, उनसे बात करने के बाद फिर दूसरे मेहमानों से हम बात करेंगे। बोल रहे हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क को ये पैगाम चाहिए कि अमन व शांति बनाए रहे और मजहबी जो फिरका परस्ती है इससे भी हम दूर रहें, यही मैसेज आज यहाँ के जो खास मेहमान हैं ये लोग देना चाहें। आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में, एक सीनियर सिटीजन? आपका बहुत बहुत शुक्रिया है न्यूज़ टुडे इंडिया में कि आप लोग इस खबर को रिकवर कर रहे हैं, बता रहे, दिखा रहे लोगों को। और मैं इस शेर के साथ आपसे मुखातब हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। देखिए हिंदुस्तान की तारीख है, अगर ये मोहब्बत नहीं होती तो हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता। अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम मजाहिब के लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो के एक प्लेट में अगर नहीं खाते तो शायद ये हिंदुस्तान कि आज़ादी का सपना भी हम लोग नहीं देख सकते। हकीकत माने में कि योम जमहूरिया जो हमारे दारुल हुसैनिया में इमसाल नहीं हर साल मनाते हैं, लेकिन इमसाल असतजा दारुल हुसैनिया के बैठ के मशवरा हुआ कि इमसाल जो है कुछ नए मेहमानों को जोड़ा जाए, चूंकि आज एक बात आम है कि दारुल मदरसे जो है दहशत गर्दी का अड्डा है। हम ये साबित करना चाहते हैं और करके दिखाएं इस मुल्क के लिए कि दहशत गर्दी का अड्डा नहीं, ये अमनो पैगाम का अड्डा है। ये पूरी दुनिया में अमनो पैगाम जो है ये मदारिस वाले ही देते हैं, जिसके लिए आज जो हमारे बच्चे प्रोग्राम पेश किए इसमें तमाम मेहमान जो है जो आए और इस बात पे सबसे ज्यादा जोर दिए कि हमने बहुत जगहों पे घूमा देखा, लेकिन ऐसा प्रोग्राम प्रैक्टिकल, ये नहीं कि कैसेट बजा के, प्रैक्टिकल हमारे बच्चे हमारे असतजा यहाँ पेश किए, जिसको देखकर वो लोग ये कहने पे मजबूर हुआ कि नहीं, इनके रग और रेशे में देशभक्ति का जज्बा दिख रहा है इनकी बातों से, इनके जज्बात से। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज हमारा पड़ोसी मुल्क चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हिम्मत कर रहा हो हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाकर देखने की, हम आज भी इस बात को साबित कर देंगे कि हम कितना बड़ा देशभक्त हैं और कितना बड़ा हम इस मुल्क का वफादार हैं। एक एक बच्चे ये छोटे बड़े जितना आप देख रहे हैं, ये हमारे करीब में मुल्क चीन है जो उधर से घुस के पता नहीं वो कितना हंगामा मचा रहा है, एक बार इधर आंख उठा के देखे कि हम लोग तमाम, अगर ये नहीं तो जाके इंशाल्लाह हम इस मुल्क के हर तन मन धन के साथ जो है इस देश की खिदमत करेंगे। दूसरी जरूरी बात इस योम जमहूरिया के लिए इस खुशी में सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि हमारी माँ बहनें रोजा रखती हैं कि यह मुल्क इसी तरह से हरा भरा रहे, सरसब्ज शादाब रहे और जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए रोजा रखते हैं और इन मुल्क के तहफ्फुज के लिए और खास कर संविधान के तहफ्फुज के लिए रोजा रखकर आज जो है योम जमहूरिया मनाते हैं। ये बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और मैं तमाम हिंदुस्तान वालों को दरखास्त करता हूँ, मेरे भाई आइए और एक मंच में आए और आकर हिंदुस्तान का आन मान शान जिस तरह पूरी दुनिया में यहाँ की जमहूरियत मशहूर है, इसी तरीके से ये कोई ये नहीं बल्कि हम अपना सबक दें पूरी दुनिया वालों को कि जमहूरियत ये होता है जो हिंदुस्तान में हो रहा है। और एक बार आप सभी को बता दें, ये सवाल बार बार उठता है कि अगर कोई मकतब हो या मदरसा हो तो वहाँ दहशत गर्दी का माहौल पैदा किया जाता है, लेकिन हकीकत दरअसल ये है कि यौम आज़ादी या फिर कहिए कि आज़ादी के जंग में
चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल रहा। और तभी 1947 साल के 15 अगस्त को हिंदुस्तान को आजादी मिली। हो सकता है कि एक कंप्लीट हिंदुस्तान का बहुत बंटवारा हो चुका हो, लेकिन जो हिंदुस्तान जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिसका अमन व शांति का लिए, शांति के लिए हम दुआएं दरख्वास्त करते हैं, रोजे रखते हैं, या फिर अभी भी दूसरे मुल्क जो हमारी तरफ आंख उठा के देखने का कोशिश करते हैं, उनके साथ भी हम आंख लड़ा करके बात करते हैं। चलिए इस सिलसिले में हम बात करेंगे। हसीम अख्तर कासमी साहब यहाँ मौजूद है। मौलाना हसीम अख्तर कासमी क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है इस सिलसिले में? आपको जो सवाल आपसे पूछेंगे कि दीनी इस्लामियों के दीनी इस्लामी जो तालीम होता है, उस तालीम के साथ जमाने का एक सोच है, जमाने का एक डिमांड है कि मॉडर्न एजुकेशन को भी इसमें शामिल किया जाए, तब्दील किया जाए, जो मदरसा है या मकतब है इसमें। आपका क्या कहना है सिलसिले में? आज 26 रिपब्लिक डे के सिलसिले इस अशुभ अवसर पर क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या रुझान है? पहले तो मैं सबसे पहले आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया इंटरव्यू देने का, पर आप यहाँ आ जाए तालीम हुसैन इस्लामपुर के इस जश्न में जमहूरिया में। मैं इस शेर के साथ बात शुरू करूँगा कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। बेशक पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा कि गद्दार कौन है। बेशक आज जो बातें चल रही है, जैसे मौलाना ने कहा और आपने भी कहा कि मदारिस को दहशतगर्दी की निगाह से देखा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे मदारिस ओपन हैं, आप चाहे जिस वक्त आए, रात में, दिन में, किसी वक्त भी आके आप मुआयना कर सकते हैं। हम दीनी तालीम भी देते हैं, मजहबी तालीम भी देते हैं और दुनियावी तालीम भी देते हैं तमाम मदारिस में। अभी कुछ दिन पहले दारुल देवबंद में इजलास हुआ, इसमें यह बात पास हुआ कि मदारिस में दीनी तालीम के साथ साथ अंग्रेजी तालीम को बाज़ाब्ता दाखिल किया जाए, और हमारे यहाँ पहले से मौजूद है। आज के प्रोग्राम में अगर आपने रहा होगा, सुना होगा, हमारे बच्चों ने जहाँ उर्दू तकरीर की जी, वहीं पर इंग्लिश में भी तकरीर की, इंग्लिश में भी बातें की। और दारुल हुसैन इस्लामपुर में हमेशा शुरू रोज वही से दीनी तालीम के साथ साथ अंग्रेजी तालीम का बाज़ाब्ता इंतज़ाम है, मास्टर की बहाली है, और हम अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ मजहबी तालीम और वतन से मोहब्बत करने का तरीका सिखाते हैं। ये वतन हमारा है, हम यहीं पर आए हैं और यहीं मरेंगे हम जी। कि वतन से वफादारी हो, यही इस्लाम कहता है। हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने बच्चों को ये पैगाम सुनाते हैं। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, मॉडर्न एजुकेशन जब किसी दीनी कोई अगर मरकज हो या दीनी कोई मदरसा हो, वहाँ अगर उसका इंतज़ाम हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि वहाँ से किताबें हो या फिर किस तरह का कोई भी फंड हो वगैरह, इसके बारे में एक जिक्र होता है, इसके बारे में एक डिमांड होता है। आज खास खास मेहमान यहाँ मौजूद थे, उन लोगों से आप लोगों का क्या दरख्वास्त था? देखिए, हमारे मदारिस में जो तालीम होती है और मदारिस का जो हमारा दस्तूर है, जो जाब्ते बने हुए हैं, ये है कि हम किसी भी तरीके से सरकार का कोई फंड नहीं लेते। अच्छा, चाहे वो तालीम के लाइन से हो या ताउन के लाइन से हो जी। हमारे अकाबरीन का ये शुरू ही से ये बना हुआ है कि हम मदारिस आम लोगों से चंदा करके चलाएंगे, हम किसी सरकारी से न तालीम के लाइन से या ताउन के लाइन से किसी भी तरीके से हम उनका ताउन नहीं चाहते हैं, हम आम लोगों से चंदा करके मदद चलाएंगे। हमारे जो तालीम चल रहा है, हमारे यहाँ जो क्लासे हैं, इंग्लिश के भी हो, हिंदी के भी है, बंगला के भी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम चला रहे हैं। हमें सरकार से बाज़ाब्ता किसी ताउन की जरूरत नहीं है, ना हम लेंगे, एड नहीं लेंगे। ठीक, जैसा कहना है कि सेल्फ डिपेंडेंस इज द बेस्ट डिपेंडेंस, और यही बात हम सुने यहाँ के मुखातिब मेहमानों से। चलिए आखिर में बात कर लेते हैं हमारे और एक मौलाना सज्जाद आलम साहब, जो दूसरी तरफ है, हम थोड़ा कैमरा को उठाने के लिए बोलेंगे और उनसे बात करेंगे। मौलाना, जो बात कहेंगे कि आज के जो मॉडर्न जमाना है, इस जमाने में एक चीज देखा गया है कि वेस्टर्न जो कल्चर है, इस कल्चर को हम देखते हैं कि हमारे बच्चे बच्चिया या जो अगले नस्ल है उसमें हावी हो रहा है। इसमें बहुत सारे बात भी आते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन भी आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर हम
अपने जो कल्चर है, अपने सोसाइटी, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी मजहबी कल्चर पूछे तो उसमें ये चीज खास करके जो वेस्टर्न कल्चर है, म्यूजिक डीजे वगैरह, ये सब कह सकते हैं कि हमारे सोसाइटी हमारे कल्चर के लिए ठीक नहीं है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आज इस एक खास दिन में? आपका क्या क्या रुझान है, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो है मुझे मौका दिया। रही बात मगरबी कल्चर के बारे में, आपने पूछा है कि आज जो है नौजवान और हमारी जो नस्ल है वो मगरबी कल्चर की तरफ बढ़ रही है, हावी हो रहा है उस पे किसी हाल से, उस कल्चर को अपना रही है। तो हम जो है ये चाहेंगे, मैं ये कहूंगा कि हमारा जो मजहब है, जब तक आदमी अपनी मजहबी तहजीब को नहीं अपनाएगा तो उसकी मजहबी शनाख्त खत्म हो जाएगी जी, यानी आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाएगी, यानी एक पहचान का जो एक ये होता है कि हर मजहब का जो है, हर मजहब की अलग अलग पहचान है। मुसलमान दाढ़ी और टोपी के जरिए से पहचाने जाते हैं और सिख और ईसाई वो अपनी मजहबी चीजों से पहचाने जाते हैं। तो अगर इसी तरीके से हर आदमी मगरबी कल्चर को इख्तियार करेगा तो मजहबी शनाख्त जो है खत्म हो जाएगी और फिर जो है आदमी बहुत सारी चीजों में मुब्तला हो जाएगा। यहाँ तक के जो अल्लामा इकबाल ने जो है जब यूरोप का दौरा किया तो दौरा करने के बाद उन्होंने यूरोप से दौरा करके जब वापस आए तो उन्होंने यही कहा कि भाई यहाँ जो मकतबों में और मदरसों में जो असातजा पढ़ाते हैं और टूटी हुई चटाइयों पर और जो है मामूली तनख्वाह पर गुजर बसर करके जो मस्जिदों और मदरसों में पढ़ाते हैं, इनको ऐसे ही रहने दो, इन मदरसों को, क्योंकि ये मदरसे और इस मदरसे के जो उलमा हैं, पढ़ाने वाले हैं, ये हमारे नस्लों को उनकी कल्चर पर जो है बाकी रखने का काम करते हैं। और इससे जो है क्या होगा कि वो अपनी मजहबी शनाख्त के साथ जो है दुनिया में जिंदा रहेंगे और जो है उनकी मजहब में जो चीजें जरूरी है वो उसको अपनाने में जो है कोई जो है अपने अंदर मुशक्कत और परेशानी महसूस नहीं करेंगे। और जब वो दूसरे कल्चर में ढल जाएंगे तो अपने मजहब के तहजीब में आना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं यही कहूंगा कि ये जो आज मगरबियत जो है लोगों के अंदर आ रही है कि मगरबी कल्चर में लोग ढल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे मजहब की जो निशानियां हैं उससे जो है आदमी दूर होता जाएगा और मजहबी तौर पर वो लादिनियत का शिकार हो जाएगा, आजादाना ख्याल का जो है आदमी बन जाएगा। तो इस तरह के वाकयात जो है होते रहते हैं कि लोग जो है दूसरों की तहजीब को इख्तियार करते हैं और अपने मजहब की चीजों को भूल जाते हैं। तो हम मदरसों के अंदर अपने बच्चों को, बल्कि मस्जिदों के माहौल में भी यही सिखाते हैं कि आप हिंदुस्तान के जो है संविधान के साथ, यहाँ के जो है आईन और दस्तूर के साथ साथ अपने मजहब को भी बाकी रखना है, उस पर अमल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब मुखातिब थे न्यूज़ टुडे इंडिया में, मैं जब्बार अली आप सभी को मुखातिब करवा रहा था यहाँ के खास खास जो मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर हैं उनसे। आप सबको बता दें, चाहे इल्म किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी लैंग्वेज में हो, किसी भाषा में हो, इसको अख्तियार करना और उसके साथ दखल करना सबसे बड़ा काम होता है। क्योंकि अगर आप देखें, प्रॉफिट मोहम्मद का एक कहावत है या कहना कहता है कि एक निर्देश है मजहब के लिए कि अगर आपको तालीम और तरबियत हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो वो भी लाजिम है। और यही दरख्वास्त हम हमारे जो नए पीढ़ी हैं, न्यू जनरेशन है, उनसे यही दरख्वास्त करेंगे कि अपने मजहबी आइडेंटिफिकेशन यानी अपना जो पहचान है, इस पहचान को बरकरार रखने के लिए मजहबी कल्चर और साथ ही साथ अगर आप सोसाइटी के एडवांसमेंट के साथ साथ एडवांस एजुकेशन लेना चाहते हैं वो भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहले अपना कल्चर, अपना आइडेंटिटी, अपना मजहबी तौर तरीका, खास करके कह सकते हैं अगर आप दीनियात की बात करें तो दीनियात का तौर तरीका अपनाना और उसके बाद फिर हायर एजुकेशन, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो या जो भी हो, वो कर सकते हैं। आप सबको जान के ये बहुत खुशी होगी कि हमारे पास जो ब्यौरा है, आपको बता दें कि कुछ ऐसे शख्सियत हाफिज़ कुरान जो है
उनका जो नजरिया है उस नजरिया को मद्देनजर उन लोगों को आईआईटी के लिए तैयार किया गया और बहुत सारे ऐसे होनहार हाफिज थे जो आईआईटी या फिर नीट जैसे एग्जाम में क्वालिफाई कर गए। तो हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर मजहब के हर नए पीढ़ी नए जनरेशन मगरबी कल्चर से अपने आप को फारिग रखे, दूर रखे, पहले हिंदुस्तान का कल्चर को अपना के हमारे वतन का शान व बान को बरकरार रखे। तभी जो बात जो कहावत हमेशा कहते आया कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल थिंक टुमारो, ये बात बरकरार रहेगा। इसी तरह की छोटी बड़ी खबर अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज टुडे इंडिया के साथ। अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सह प्रतिनिधि सागर के साथ मैं जब्बार अली न्यूज टुडे इंडिया के लिए दारुल उलूम हुसैनिया मस्जिद नगर इस्लामपुर से।